बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, आए इसका नोट बनाते हैं। कहीं रीवैल्यूएशन नज़र आ रही है? रीवैल्यूएशन तो कहीं नहीं नज़र आ रही ना। इसका मतलब कॉस्ट मॉडल है। कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल है। नोट की पहचान, टोबी लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12। ये देखिए 31/12/15 लिखा हुआ है। फिर अमाउंट नॉर्मल लिखी हुई है, अमाउंट इन रुपी राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी। गुडविल क्योंकि परचेज कर रहे हैं इसलिए एसेट की तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरी आइटम क्या ली है? पेटेंट। और तीसरी क्या है? ब्रांड। ब्रांड हमने बाद में खरीदा है, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में नहीं आया। इन दो आइटम्स को क्यों नहीं कंसिडर कर रहा? ये पीपीई हैं और अदर नॉन करंट एसेट्स हैं जो हमारे इंटेंजिबल का पार्ट नहीं है। और नोट हमने किसका बनाना है? इंटेंजिबल का। ठीक है भाई, ओपनिंग बैलेंस बता दें आपके पास गुडविल का कितना है? बोले भाई। नहीं भाई, ओपनिंग तो कुछ भी नहीं है, 5 कैसी है? ये तो किसी और बिजनेस का है भाई। ये बुक वैल्यू तो किसी और बिजनेस की है। आपने तो इसे कब बाय किया है भाई? टॉबी ने कब बाय किया है? 1/1/15। तो इसका मतलब ओपनिंग थोड़ी आ सकता, याद रहेगी बात। अब बताएं क्या कहा था, किस किस वे से आप अक्वायर कर सकते हैं? आप स्ट्रेट अवे बाय कर सकते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में बाय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरनली जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने कैसे बाय किए हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन में। किस में आए? बिजनेस कॉम्बिनेशन में। गुडविल कैलकुलेट की थी प्रीवियस लेक्चर में, याद है भाई? 105 दिया था और कितना अक्वायर किया था? 1 लाख नहीं भाई, 95। 5 तो गुडविल ली है ना, तो असल में बाकी कितने हैं? 95। 20, 50 और 25 कितने बने? 95 माइनस कर दीजिए भाई, कितना है? 10। तो 10,000 आपने गुडविल अक्वायर किया। पेटेंट कितने के अक्वायर किए हैं? फेयर वैल्यू बताएं 20,000। और ब्रांड ये तो यहाँ से नहीं लिया, इसको अब पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ें। 1 अप्रैल को टॉबी अक्वायर्ड अ ब्रांड फ्रॉम अ कंपेटिटर फॉर रुपी। और अगर ब्रांड बाय किया है और उसकी यूजफुल लाइफ मैयर हो रही है, उसकी कॉस्ट भी मैयर हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट को हमने कैसे बाय किया है? सेपरेटली अक्वायर किया है। कितने का बोलिए? 50,000 का। प्रभात मियां आप परसों कहाँ थे? परसों कहाँ थे क्लास में? अच्छा चलो टोटल करो, 30,000। बेटा नहीं, 50,000। ओके, रीवैल्यूएशन नहीं होनी। क्या नहीं होनी बेटा? रीवैल्यूएशन नहीं होनी, इसलिए ट्रांसफ़र भी नहीं है और रीवैल्यूएशन भी नहीं है। डिस्पोजल है भाई, देखिए डिस्पोजल है क्वेश्चन में, आपने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, बहुत गंदी बात है, वेरी बैड। यकीन करें मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ हूँ आज आपकी परफॉर्मेंस है। सारा क्वेश्चन डिस्कस करके आपको कहा था कि यार इसको आप बनाना, और आप में से किसी ने भी बॉदर नहीं किया, सो बैड। दोबारा मुझे सारा डिस्कस करना पड़ा, फिर क्या फ़ायदा हुआ पिछली दफ़ा डिस्कस करने से? चलें देखें, हुआ कोई डिस्पोजल? कल से आपकी क्लास 7 बजे होगी, अगर आपकी यही बॉडी लैंग्वेज है तो फिर तो भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता अपनी अटेम्प्ट का। आपकी अटेम्प्ट तो आती रहती है, मेरी एक ही दफ़ा आती है, एक अटेम्प्ट होती है मेरे लिए। ठीक है, जहन में रखिएगा, कल से 7 बजे आएंगे आप लोग। ये कितना बना? 10,000। ये कितना बना? 20,000। ये कितना बना? 50,000। कुछ और तो नहीं बाय किया? यह हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इंटरनली जनरेट कर रहे हैं इसलिए कैपिटलाइज नहीं कर सकते, और जो इंटरनली जनरेटेड हमारी गुडविल है उसे भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अब आ जाए बेटा, यहाँ टोटल कितना हो गया जी? 80,000। आगे बढ़ाएं बात को, जल्दी से जल्दी करें, जल्दी और इंसान बन जाए।
बात है नहीं बचियो। चलें भाई, जब ओपनिंग एसेट नहीं है तो ओपनिंग अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी नहीं है, गुडविल को अमोर्टाइज नहीं करते। पेटेंट कहाँ है? ये है। कितनी लाइफ रखी थी कल प्रीवियस लेक्चर में? 8 ईयर्स। कितने हैं? 20,000। 20,000 ओवर 8 ईयर्स। कब अक्वायर किए हैं? एक एक। इसका मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगी। कितना बना? 2500। इंसान बन जाए 2500। अब आ जाए, ब्रांड कब खरीदा? 1/4 को 50,000 का खरीदा। लाइफ कितनी है? 5 साल। फ्रैक्शन लगाऊं? गदो यहाँ 9/12 तक लिख कर गया था मैं। यस सर, सर यस सर तो सही है, आप सही चल रहे हैं सर। इसका मतलब पैसे हमने सही दे दिए, हम पढ़े या ना पढ़े, हम जंगल के बादशाह। रह गए 8 दिन, कैद हुए भी हो फिलहाल तो अल्लाह पाक की तरफ से, उसके बाद फिर बताऊंगा तुम्हें 15 को इंशाल्लाह। चलो आओ आंसर बोलो। 70। टोटल करो 10,000। ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। 2500, 7500, 10,000। ओके हो गया। अब मेरे दोस्तों, गुडविल कितने पर रिकग्नाइज की थी भाई? गुडविल कितने पर रिकग्नाइज की थी? 10 पे। और उसकी रिकवरेबल अमाउंट 7,000। इसका मतलब 10,000 से गिर के 7,000 पे गई, तो कितना इम्पेयरमेंट? 3,000 का। ओपनिंग बैलेंस नील है ड्यूरिंग द ईयर, 3,000 है। डिस्पोजल नहीं है तो रिवर्सल कुछ नहीं हो रही। बाकी किसी आइटम में बोले भाई इम्पेयरमेंट नहीं है। ये कितना बना? 3,000, क्योंकि कॉस्ट लेस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस होता है, इसलिए ब्रैकेट लगा दी। इधर जीरो की ब्रैकेट, इधर जीरो की ब्रैकेट। अब बताएं जी, कॉस्ट लेस अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। 10,000 में से 3,000 गए 7,000, 20,000 में से 2500 गए 17,500, 50,000 में से 7,500 गए 42,500। ओपनिंग जीरो है, ड्यूरिंग द ईयर 3,000 है, डिस्पोजल नहीं है। 3,000 पे ब्रैकेट, 10,000 पे ब्रैकेट माइनस कर दें, 67,000। ये नीचे सब नोट लिख लीजिएगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है हमारे लिए। चलो बहुत अच्छे तरीके से कॉपी करो, शाबाश। जी मेरे बच्चों, नोट तो अपना पुराना दोस्त है, और नोट को तो अक्सर हम कहते हैं तुम ही तो हो जिसकी वजह से हमें एक ही टॉपिक आता था, क्या? नोट बनाना। क्या बनाना? नोट बनाना, और वो भी जालिम 20 नंबर से कम नोट पूछता ही नहीं है। आए जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? ऑटम 16 में भाईजान आए थे, कितने मार्क्स के आए थे? और बनाना क्या है? फिर नोट बनाना है, फिर नोट बनाना है, ठीक है? बनाएं जी, पढ़ें जल्दी से क्वेश्चन। एक मिनट दे रहा हूँ, एक मिनट दे रहा हूँ आपको। आओ बेटा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, बहुत ध्यान से। अभी कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड AL इंटेंजिबल एसेट एट 30 जून 15। क्या कह रहा है? 30 जून 15। नोट कब का बनाने के लिए कह रहा है? 16। तो फिर ये बन गया, और अगर ये 1/7 15 बन गया और ये हमारे इंफॉर्मेशन में मौजूद है, तो इसका मतलब ये रिकग्नाइज्ड है। ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ब्रांड्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ब्रांड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। कितनी कॉस्ट है? 280 और 15। अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 40, 48, 0, 0 इसलिए क्योंकि लाइफ क्या है और इनडेफिनिट एसेट को अमोर्टाइज यही है। आएं जी, क्या बनाना है? नोट आएं जरा, आपने अभी कॉपी नहीं करना। इंटरनेशनल एसोसिएट लिमिटेड नोट्स टू द फॉर द ईयर एंडेड 30/6/16 इंटेंजिबल एसेट रुपी इन मिलियन राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन। कौन कौन से 3 एसेट मौजूद हैं? ब्रांड सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ब्रांड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। क्वेश्चन में हमें नहीं पता कॉस्ट मॉडल होगा या रिवैल्यूएशन मॉडल होगा, लेकिन हमने आदत बनाई हुई, हम क्या लिखते हैं? ग्रॉस कैरिंग वैल्यू। क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस ब्रांड का बताएं 200, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस 15। अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस 48। ओके हो गया। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर्मूला, प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब बोलो फॉर्मूला। टेंजिबल है इनटेंजिबल? कहता है हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं एक प्रोजेक्ट पे टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर। 30 जून तक कितने किए? 30 जून तक कितने किए? जुलाई 15 से मार्च 16 तक कितने किए? ये प्रीवियस है। ये क्या है? हमें नहीं पता एक्सपेंस आउट हुआ या क्या हुआ, अभी नहीं पता। ये प्रीवियस है और ये हमारा साल। हमारे साल के कितने महीने? 9 महीने। मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? अब एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। कहते हैं इस पीरियड में इवनली है, इसका मतलब पर मंथ सेम है, पर मंथ ठीक। द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1st। कौन सी? ये एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड ऑन 30/9/15। क्या कहता है? मेरे पीरियड में है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड दैट अ प्रोजेक्ट इज कमर्शली, याद है ए से लेके एफ तक की कंडीशन, और हमने कहा था कोई एक भी लिख दे तो इसका मतलब बाकी 5 भी मीट। ये वो टाइम है जहां डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी और हम कहेंगे इंटेंजिबल CWIP डेबिट। किस दिन डिसाइड हुआ? इसका मतलब इस 9 में से जुलाई अगस्त सितंबर क्या होगा? एक्सपेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा मतलब है 1/10/15। तो फिर अगर ये 45 है और ये 9 महीनों का है, तो इसमें से 9 ضرب 3 ये तो होंगे एक्सपेंस, कितना? 15। ये तो हो गया एक्सपेंस, 45 ÷ 9 ₹6 कितना हुआ? 30। ये क्या है? इंटेंजिबल CWIP। यहाँ तक मेरे किसी बच्चे को इशू हो तो पूछ ले, आगे चल सकता हूँ।
द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/16। 1/4/16 को ऑपरेशनल हो गया, इसका मतलब ये 1/4/16 से अमोर्टाइज होगा। भाई होगा, अगर 1/4/16 से अमोर्टाइज होगा तो मेरे महीने में 3/12 अमोर्टाइज होगा। मेरे साल में कितना अमोर्टाइज होगा, क्योंकि मेरा ईयर एंड कब है, 30 जून। तो 1/4/16 से 9:15 1/4/16 से 30/6/16 तक 3 महीने अमोर्टाइज होंगे। कितने महीने, 3 महीने। एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग ऑफ 10 मिलियन। एसेट वो होता है जो फ्यूचर में या तो रेवेन्यू देगा या कॉस्ट की मिनिमाइजेशन। तो ये क्या दे रहा है, कॉस्ट की मिनिमाइजेशन, कितने पीरियड के लिए। इसका मतलब ये जो 30 है ये अमोर्टाइज होगा, बोले बोले 10 साल पे, और 3/12 कितना बना, 0.75 मिलियन। ये किसकी अमोर्टाइजेशन है, फार्मूला की। क्या फार्मूला का ओपनिंग बैलेंस था, नहीं। अब आ जाए फॉर्मेट में, सबसे पहले फार्मूला का ओपनिंग बैलेंस कितना लिखूंगा, नील लिखूंगा, जीरो। कितना एडिशन किया, 30। कितना एडिशन किया, इसका ओपनिंग अमोर्टाइजेशन जीरो। ड्यूरिंग द ईयर कितनी चार्ज की, 0.75। मैं अकेला तो नहीं हूं, पक्की बात, जाग रही है, कौन हूं मैं। अच्छा चलो आओ, आगे आए। बड़ी बड़ी कोशिश की मैंने, आपको तो कह दिया था लेकिन फिर दिल नहीं माना कि नहीं, ऐसा लग रहा था कि चोरी हो रही है, फिर मजबूर कर मुझे दोबारा आपको मैसेज करना पड़ा। ठीक है, थैंक यू। 1 अगस्त 15 मेरा अकाउंटिंग ईयर है। अच्छा जी, आईएल एंटर्ड हुआ एक एग्रीमेंट में टू अक्वायर ईआरपी सॉफ्टवेयर। एग्रीमेंट में एंटर होना मैटर नहीं करता, या तो उस दिन पेमेंट की हो या उस दिन कोई और एक्टिविटी हुई हो। क्या हुआ, विच वुड रिप्लेस, FR1 में जाएं, PPE में जाएं, रिप्लेसमेंट ऑफ PPE एक्सचेंज के रहता है या आउटराइट बाइंग, इंडिपेंडेंट बाइंग होती है। शाबाश बेटा, लिख लो दोबारा, जहाजो बच्चियां खुद कर लें उसको, जहाज की मोनस जी भाई। रिप्लेसमेंट लिखा हो तो इंडिपेंडेंट गया, इंडिपेंडेंट आया, एक्सचेंज नहीं है। रिप्लेसमेंट लिखा हो तो बोले इंडिपेंडेंट गया, इंडिपेंडेंट आया। याद रखिएगा, कौन जाएगा, एग्जिस्टिंग, कौन आएगा, न्यू। ये देखें, ये एग्जिस्टिंग और ये न्यू। ये वाक्या कब रोनुमा हुआ, 1/8/15 को। लेकिन जो नया सॉफ्टवेयर है वो कब आया, 1/4/16 को। तो न्यू की फ्रैक्शन 3/12। किसको बाहर निकालना है, एग्जिस्टिंग को। किसको बाहर निकालना है, एग्जिस्टिंग को। किस एग्जिस्टिंग को, सॉफ्टवेयर को। किसको, कह सकता हूं सॉफ्टवेयर का डिस्पोजल हो रहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन साइलेंट हो तो जिस दिन नया आएगा उसी दिन पुराना जाएगा। अगर तब्दीली करनी हुई तो बताएगा कि भाई पुराना कब जाएगा। दोबारा सुनो, जिस दिन नया आएगा उस दिन पुराना जाएगा, तब्दीली करनी हुई तो एग्जामिनर बताएगा। लिख लो इसी तरह उर्दू में, जहाजो नाराज ना हुआ करो यार, हम सीनियर हुए जा रहे हैं, ये हमें वैसे ही ट्रीट करता है। क्या लिखा है, जिस दिन नया आएगा उस दिन पुराना जाएगा,
जिस दिन नया आएगा उस दिन पुराना जाएगा, चेंज हुई तो एग्जामिनर बताएगा, चेंज हुई तो एग्जामिनर बताएगा। आप क्या कह रहे हैं? IL incurred following expenditure in respect of the ERP software। ये क्या है? ERP software, और इसे क्या कर रहा है? Acquire कर रहा है। तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर बाय करने की कॉस्ट क्या पे की, इसमें क्या शामिल है, कितना? 15% मिलाकर कितना हुआ? अब पहले वर्ड बोला करता था नॉन रिफंडेबल या बोला करता था रिफंडेबल, ठीक है? साइलेंट हो तो दोनों अजम्पशन लिए जा सकते हैं, नॉन रिफंडेबल भी और रिफंडेबल भी। बताएं भाई सुन्नत क्या है, मुश्किल रास्ता अख्तियार करने का या आसान? आसान। तो फिर आसान अजम्पशन क्या है, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल? नॉन रिफंडेबल शामिल है, शामिल रहने दो। तो लिखो साइलेंट पे नॉन रिफंडेबल अज्यूम किया करूंगा, साइलेंट पर टैक्स नॉन रिफंडेबल अज्यूम करूंगा। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, ये तो एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ये एसेट है। कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी, बोले भाई? हाँ, जिसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहते हैं, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमेशा कैपिटलाइज होती है। 115 और 5 कितने हो गए? 120 का क्या खरीदा? सॉफ्टवेयर। तो कह सकता हूँ ये सॉफ्टवेयर में क्या है? एडिशन है। ये सॉफ्टवेयर में क्या है? एडिशन। आज एडिशन कितने की है? 120 की है। आगे चलते हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। जो ईआरपी लिया है उसकी लाइफ कितनी है? आज है भाई 120 डिवाइडेड बाय 15। अच्छा, हाउएवर आई एल एक्सपेक्ट टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ, जी भाई यूजफुल लाइफ 15 साल, और लीगल लाइफ या एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी हो गई? 10। या फिर इसे कह दीजिए इकोनॉमिक लाइफ और इसे कह दें यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब पूरी लाइफ, यूजफुल लाइफ का मतलब जो मैंने इस्तेमाल करनी है। लिख लीजिए इकोनॉमिक लाइफ का मतलब पूरी लाइफ, यूजफुल लाइफ का मतलब जो मैंने इस्तेमाल करनी है। विच एवर इज हायर या लोअर? लोअर। कितना लो? 10। अब ध्यान से जवाब देना है, अमोर्टाइजेशन यकम अगस्त से शुरू करूं या यकम अप्रैल से? यकम अप्रैल से, क्योंकि ऑपरेशनल कब होगा? यकम अप्रैल को। ऑपरेशनल का मतलब अवेलेबल फॉर यूज भाई, ऑपरेशनल का मतलब अवेलेबल फॉर यूज। कितना बना बोले भाई? 3/12। कितना हुआ? ये 3 क्या है? न्यू की अमोर्टाइजेशन। अभी इसके साथ ओल्ड भी जोड़ा हुआ है, ये तो अमोर्टाइजेशन ऑन एडिशन है। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन ऑन एडिशन। अब ओपनिंग में सॉफ्टवेयर मौजूद था भाई, था कितने का? 80 का। और सॉफ्टवेयर्स नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? सॉफ्टवेयर। कोई एक सॉफ्टवेयर था 80 का, हमें छोड़ के जा रहा है भाई, जा रहा है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो जिस दिन नया आएगा उसी दिन पुराना जाएगा। आगे पढ़ते हैं, द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब डी रिकग्नाइज करो, लिख लें रिडंडेंट का मतलब डी रिकग्नाइज करो। पहले कभी जिंदगी में यह वर्ड बोला था?
जी बोला था, एफआर वन में बोला था, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में बोला था, एसेट इम्पेयर हो गया था, उसके वर्कर को रिडंडेंट किया था, उसे जो पैसे दिए थे उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग नहीं समझा था, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग नहीं समझा था रिडंडेंट एक्सपेंसेस को, लेड ऑफ एक्सपेंसेस कहा करते थे इसे, पास पेपर इसका सॉल्व किया था हमने, पुरानी बातें याद रखनी है। रिडंडेंट एसेट हो तो इसका मतलब उसको डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आगे क्या कहता है, एंड इज ऑफ नो यूज फॉर द, इसका मतलब है मार्केट से हमें इस सॉफ्टवेयर के बदले कोई पैसा नहीं मिला। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डिस्पोजल 305, वहां पर भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो WDV होती है वो सारा लॉस बन जाती है। तो यहां वो कह रहे हैं रिडंडेंट कर दिया, फारिग कर दिया, और उसका बिजनेस को कोई यूज नहीं है, इसका मतलब कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है। क्या पुराने एसेट का डिस्पोजल हो गया? जी हो गया। डिस्पोजल का मतलब क्या है, हमें छोड़कर चला गया। कब गया? या कम अप्रैल को, अभी तो लिखवाया है, जिस दिन नया आएगा पुराना छोड़कर जाएगा। नया आया यकम अप्रैल को तो पुराना छोड़ के गया 31/3 को। अगर 31/3 को छोड़कर गया 31/3/16 को, तो मेरे पास तो ये 1/7/15 से है, तो कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 9 महीने। कितने महीने? क्वेश्चन साइलेंट है तो स्ट्रेट लाइन या WDV? स्ट्रेट लाइन। कॉस्ट कितनी थी भाई? कॉस्ट कितनी थी? 80। लाइफ कितनी थी? 5 × 9/12। बोले 12। ये 12 क्या है? ओल्ड की डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। और फिर रिटेन्ड एसेट कोई भी नहीं बचा, क्योंकि या तो उसे डिस्पोजल में डालो, उसे डिस्पोजल में डाला तो 9/12, जब इसे निकालूंगा तो बाकी कुछ भी नहीं है भाई, एक ही था ना, तो वो चला गया। तो ये एडिशन पर, ये डिस्पोजल पर और रिटेन्ड एसेट कोई भी नहीं है, तो कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है। तो 3 × 12 कितने हो गए? 15। ये किस पर है? सॉफ्टवेयर पर। किस पर है? अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर कितना हुआ? 15। मैं अकेला तो नहीं? पक्का? आगे बताना है, जहां मैं अकेला हूं फौरन बताना है। अंसारी तुम अकेले रह गए हो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 June 2016, IL spent 10 million on development of a new, मैं इंटरनली क्या कर रहा हूं? डिवेलप कर रहा हूं। किस को? ब्रांड को। कौन सी 5 चीजें हैं जो इंटरनली डिवेलप हों तो एसेट नहीं बन सकती? गुडविल, ब्रांड, मैस्टर्स, पब्लिक आइटल्स और कस्टमर लिस्ट। इन 5 को मैं कैपिटलाइज, इसका मतलब मैंने खर्चा तो किया होगा लेकिन उसे क्या कर दूंगा? और नोट में एक्सपेंस नजर? हाँ, अगर वो एक्सपेक्ट पूछता तो ये एक्सपेंस GP में से माइनस हो रहा होगा। नोट में ना गेन नजर आएगा, ना लॉस नजर आएगा, ना कोई राइट ऑफ नजर आएगा, क्योंकि नोट तो बैलेंस शीट आइटम का बना रहे हैं एज ऑन पॉइंट इन टाइम। और एक्सट्रैक्ट बनते हैं दो, इनकम स्टेटमेंट का बने तो फॉर द ईयर होता है, और अगर बैलेंस शीट का बने तो वो एज ऑन होता है। तो असल में बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट बन रहा है ये उसकी ब्रेकअप है, क्योंकि बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट की क्या नजर आएगी? WDV। क्या नजर आएगी? उस WDV को तोड़कर हम नोट बना रहे होते हैं। FR1 में सिखाया था भाई। आगे आए, अब उसे कहेंगे भाई लाइफ की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो इसे एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिट है। किसने प्रोहिबिट किया? IAS 38 ने। अगली बात सुने, कहता है मिस्टर अंसारी, मैंने कहा जी। कहते हैं ब्रांड की तो मजीद कोई बात नहीं है भाई। किसकी बात चल रही है अब तो? लाइसेंस की। तो आओ पहले ब्रांड को सॉल्व कर देते हैं। कोई एडिशन है ब्रांड में? कोई ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, डिस्पोजल? कितना आया?
200, जाके ब्रांड की लाइफ देखें, ब्रांड की लाइफ पूरे साल इस्तेमाल हुआ तो 10 से डिवाइड कर दें कॉस्ट को, कितनी आई 10, ट्रांसफ़र इसका भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, तो कितना बना जी 20 है। इतनी ज़ोर से ना बोला करें, कमज़ोर दिल का मालिक हूँ आपकी मेहरबानी, मैं ज़ोर से बोला ना तो मैंने फिर एक्स्ट्रा क्लास रख लेनी है, फिर सही है। ओके हो गया 60, अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, 0, 200 में से 60 गए 140। अब इधर आ जाए, ट्रांसफ़र नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, कितना हुआ डिस्पोजल है, सॉफ्टवेयर की डिस्पोजल पर आ जाए, कितने वाला एसेट छोड़ के चला गया 80 वाला, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया, कितना बचा 100। अब ज़रा ध्यान से, जाने वाला यहाँ से अपनी कॉस्ट बाहर निकाल रहा है तो नीचे उसकी अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बाहर निकलेगी, कब से बाइंग से कब तक, इस साल के शुरू तक उसकी कितनी डेप्रिसिएशन है 48, मैंने मजीद कितनी की 12, 48 और 12 तो कितना बाहर निकाल दूँ 60, कितना बाहर निकाल दूँ 60, निकाल दीजिए भाई, कितनी बची 3, ये 3 कौन सी है एडिशन की, और ओपनिंग तो कोई भी नहीं बचा तो सिर्फ एडिशन की जो अमोर्टाइजेशन है वही ईयर एंड पर आ रही है। अब इम्पेयरमेंट तो नहीं है, 0 0 0, 120 में से 3 गए 117, लाइसेंस को भी छोड़ दें क्योंकि लाइसेंस की एडजस्टमेंट बाकी है, फॉर्मूले पर आ जाए, ट्रांसफ़र नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, कितना आया 30, और ट्रांसफ़र भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, कितना आया 0.75, ब्रैकेट लगा दें, और इम्पेयरमेंट नहीं है, 0 आ गया, माइनस कर दें 29.25। अब आए लाइसेंस पे क्या कहता है, कहता है मिस्टर अंसारी जब साल शुरू हुआ तो लाइसेंस था और हमें अनलिमिटेड नहीं इनडेफिनिट पीरियड के लिए दिया गया था, यानी अभी तक नहीं पता उसकी लाइफ कितनी है। कहता है लाइसेंस अपेयरिंग इन आईएल बुक वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, ठीक है जी, हाउ एवर ऑन 1 जनवरी 16, आधा साल गुजरने के बाद द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ लेजिस्लेशन अंडर विच द एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रीन्यूड आफ्टर, इसका मतलब इनडेफिनिट से कहाँ चला गया, फाइनाइट पे चला गया, डेफिनिट पे चला गया। अब 1/16 को इसकी लाइफ कितनी है भाई, 1/16 को इसकी लाइफ कितनी है, ठीक है। अब मुझे बताएं जिस दिन अनाउंसमेंट हुई वहां से लाइफ काउंट करनी है, ईयर स्टार्ट से नहीं, अनाउंसमेंट कब हुई है, यहां से 10 साल लाइफ है तो लिखें जिस दिन अनाउंसमेंट होगी लाइफ उस दिन से शुरू होगी, जिस दिन अनाउंसमेंट होगी लाइफ उस दिन से शुरू होगी, क्या कहा, जिस दिन अनाउंसमेंट होगी लाइफ उस दिन से शुरू होगी। अब मुझे बताएं कितनी कॉस्ट थी, 15 भाई, 15 थी, जब इनडेफिनिट से फाइनाइट लाइफ में चला गया तो अमोर्टाइज होगा, कब से होगा, कब तक होगा, कितने महीने के लिए, 6/12, कितना बना पॉइंट, ये क्या है अमोर्टाइजेशन, किस की, लाइसेंस की। अब आए अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर 0.75, रिवैल्यूएशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है
75 अमोर्टाइजेशन नहीं है जी भाई, जीरो इधर आ जाए, एक मिनट भाई इधर आ जाए, एडिशन नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, कितना बना 15 माइनस कर दें जी 14.25। अभी कॉपी नहीं करना, अभी कॉपी नहीं करना, अब जरा चलते हैं वर्किंग नंबर वन। वर्किंग नंबर वन में मैंने किसे पकड़ा, ब्रांड को। ब्रांड की कॉस्ट बताएं 200 और लाइफ बोले 10, कितनी मनी 20। ये क्या है अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर, क्या है अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। वर्किंग नंबर टू, एक सॉफ्टवेयर आया और एक सॉफ्टवेयर चला गया, अमोर्टाइजेशन ऑन बोले ओपनिंग एक्सक्लूडिंग बोले डिस्पोजल। ओपनिंग में कितना था 80, गया कितना 80, क्या बचा 0। लाइफ कितनी थी 5, 0 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा 0। फिर अमोर्टाइजेशन बोले अमोर्टाइजेशन ऑन ओपनिंग नहीं ऑन एडिशंस, कितने का एडिशन हुआ 120 का। लाइफ बताएं एंड फ्रैक्शन बताएं कितना बना 3। फिर अमोर्टाइजेशन ऑन डिस्पोजल, जाने वाले की कॉस्ट बताएं, लाइफ बताएं, फ्रैक्शन बताएं, कितना बना 12, टोटल करें 15। ये है वर्किंग नंबर टू के 15 कैसे आया। फिर हमने क्या किया, लाइसेंस को देखा, लाइसेंस पहले से मौजूद था लेकिन पहले उसकी लाइफ क्या थी इनडेफिनिट, फिर कहाँ चली गई फाइनाइट लाइफ में चली गई, तो वर्किंग नंबर थ्री किया। कॉस्ट बताएं लाइसेंस की 15, लाइफ कितनी हुई 10, एक एक 16 से करना है तो 6/6 कितनी बनी 0.75, ये बनी हमारी वर्किंग थ्री जी। जी होता है जी, हाँ यहाँ अगर वो कह देता कि ये लाइसेंस जिस वैल्यू पे खड़ा हुआ है वो कितनी थी 15, लेकिन आज 30/6/16 को इसकी वर्थ 8 कंसीडर हो रही है, कितनी कंसीडर हो रही है यानी रिकवरेबल अमाउंट कितनी बनी 8, ठीक है, और WDV कितनी है, क्यों, क्योंकि वो अमोर्टाइज नहीं हो रहा था, उसकी कॉस्ट और WDV दोनों क्या है सेम है, तो 15 से कहाँ गया 8 पे, कितना गिरा 7, तो वो 7 इम्पेयरमेंट लॉस में आ जाता। यहाँ उसने रिकवरेबल अमाउंट नहीं बताई तो इसका मतलब है हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज नहीं कर सकते। ये हमें पता चल गया है कि एसेट क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ इम्पेयर उसकी वैल्यू के हिसाब से नहीं हो रहा, उसकी लाइफ में इम्पेयरमेंट छुपी हुई है, इनडेफिनिट से कहाँ चला गया फाइनाइट में, तो इसके अंदर क्या छुपी हुई है उसकी इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट छुपी हुई है क्योंकि वैल्यू लाइफ की क्या हो रही है कम, अगर अमाउंट भी दे देता तो अमोर्टाइज भी करता और इम्पेयर भी करता, क्लियर। आगे आ जाए, चौथी आइटम कौन सी थी फॉर्मूला की, किसकी थी फॉर्मूला की जी, अमोर्टाइजेशन ऑन बोले ऑन ओपनिंग, ऑन ओपनिंग, ओपनिंग था नहीं तो 0 आ गया, अमोर्टाइजेशन ऑन एडिशन, कितने का एडिशन था बोले 30 का, लाइफ बोले भाई लाइफ बोले और पीरियड बोले 3/12, कितना बना 0.75, दोनों को जमा कर दें
0.75. ये है वर्किंग नंबर 4. ओके हो गया. अब मुझे टोटल बना दे. 295, 150, 0, 0, 80, -365, 0. किधर 48, 88. अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर जमा कर दे 36.5. ट्रांसफर नहीं है. डिस्पोजल 60 ब्रैकेट लगा दीजिए 64.5 ब्रैकेट लग गई. ओपनिंग इम्पेयरमेंट नहीं है. ड्यूरिंग द ईयर भी नहीं है. डिस्पोजल भी नहीं है. जीरो 365 में जी 300.5. अब याद करें इंटेंजिबल को अगर नंबर 9 दिया है तो 9.1. ब्रांड किस पर है? कॉस्ट मॉडल पे. लिख लीजिएगा आप पूरा कॉस्ट मॉडल. कॉस्ट मॉडल कॉस्ट मॉडल कॉस्ट मॉडल. अमोर्टाइजेशन मेथड ब्रांड किस पे है? स्ट्रेट लाइन. अगला भी स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन. लाइफ है या रेट है ब्रांड का? कितनी? 10 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स 10 इयर्स. कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है. सिर्फ एक सब नोट बनाया है, बाकी नहीं बनाए. और रिवैल्यूएशन मॉडल को अल्लाह जिंदा आबाद रखे. इंशाल्लाह कल जब वो आएगा तो अपने साथ सब नोट भी लाएगा और वो 5 लाइनों वाला टेबल भी लाएगा. कॉपी कीजिए. शाबाश. कहाँ पर? सॉफ्टवेयर की जो नया एसेट है उसकी लाइफ बताएं. 10 है. 5 क्यों लिखवाया फिर? कॉपी करें. शाबाश.